नमस्कार प्रश्न काल को स्वागत करीमा न्याय मिललानी शेषे जीवन हारदे युवती बाध्यले निजे आत्महत्या करने सब बड़ कथा जी रोचंती अभियुक्त कहीं सुरक्षा देउछि पुलिस एवं आत्महत्या प्रवर्त कथा कहते वर्तमान पीड़िता परिवार तबे न्याय केबे मिलिबो पीड़िता को कारण जो लोकलज्जा एवं पड़सा घर पड़सा लोक मान जो टाही टापरा ताको से सहय कर पार विलंबित न्याय शेषे जीवन हारे युवती यह आम आलोचना सुरक्षा पुलिस भद्रक पुलिस विरुद्ध में सांघातिक अभियोग अभियुक्त को अनुकंपा देखाई भद्रक पुलिस कितु प्रश्न उठी कहीं पुलिस एत अनुकंपा देखा अभियुक्त शेख मुस्ताकिन को कौन रही संपर्क एवं बड़ कथा होते बारंबार न्याय द्वारस्थ होती युवती परिवार से पर्यंत भी से एफआईआर कॉपी मिली ना न्याय देवे पुलिस कौन प्रकार प्रतिश्रुति मिली शेषे दुई तारिख में घटना घटला और नौ तारिख में युवती आत्महत्या करदे कि कथ उठी कौन पाई पुलिस पुलिस तेज़े क्या सुरक्षा जी अभियुक्त ता सुरक्षा ना न्याय देवाई पुलिस बसी न्यायमूर्ति कहीं सजिलानी पुलिस तेणु तमाम प्रश्न ये उठू कारण जो भाई भाव में पिस्थित गति कर पीड़िता परिवार निश्चित भाव में यह खूब जंत्रणादायक कारण तक माँ अभियोग करती माँ बर्तमान झीवपी लड़े करो को केमी मिल न्याय तेणु टार्गेट बर्तमान मीना टीम कारण चरण सिंह मीना जब किद पूर्व मन पकईदे जाजपुर इश्यू पीओ स्मिताराणी कथा एपर्तंत भी जब देखा से घटना पर कि भी पर्दा हटि पारानी से भाव में ये घटना मत गढ़ कि ना पीड़िता को मिल न्याय ए संपर्क में आलोचना करने आम साथ रही सुब्रजोत्ना महांति रही जी रही ओडिशा देवसेनार रही ओडिशा महिला शाखार सभानेत्री मैडम महांति आपको स्वागत कर आलोचना को कौन कह मैडम देखो घटना दुई तारिख में घटला नौ तारीख रे युवती जनक आत्महत्या कले कि कथ उठू एत दिन भितर से जो पुलिस पाखु जाय का पुलिस न्याय तो देलानी न्याय देवर प्रतिश्रुति भी देलानी कि बर्तमान पीड़िता परिवार अभियोग करछंती अभियुक्त एवं पुलिस मिसी जो विलंबित न्याय है साई पड़सा टाही टपरा से शुणीपारे और निजे जो गोटे लोकलज्जा सामना को आसला बाध्य से आत्महत्या करने को पछघुंचा देना मैडम को सर में पुणे जोगाजोग करवा तेज घटनाटी आपको कही रखुच्छे भद्रक जो भाव में घटनाटी घटी असदाचरण मामला से पुलिस कोहल दफा लगे जो न्याय मिललानी युवती को शेष से आत्महत्या कले अर्थात जदि आम देखा जिते बड़े घटना घटला एमती कि कथ मत आसी कि अभियुक्त परिवार लोक पीड़िता परिवार को मत धमका चमका कर खुलाम खुला से माने कहते कि आमर से किसी करें तेणु ये गोटे कथा क्या बलने ताले जो अभियुक्त परिवार एते बलियान थिला एवं जी रही वृद्ध शेख मुस्ताकिन को भाई भाव में पुलिस को प्रभावित ताले कर स्पष्ट जना पड़ी एपर्तंत भी न्याय पर माँ लड़े करण से प्रश्न उठाऊ कौन आम एक गरीब परिवार बोली आमको न्याय मिली आम सहित हरप्रिया मैडम बर्तमान जोड़ी हरप्रिया साहू जी रही भद्रक जिलार सभापति रही सभानेत्री रही मैडम आपको स्वागत करैडम घटना सहित तो आप निश्चित भाव में मानते खूब अंगांगी भाव जड़ित आज जानते घटना कौन घटी घटनास्थल को भी जा देखी न्याय मिललानी आठ बड़ी दुखर कथा किसी अच्छी मैडम न्याय मिललानी शेषे बाध्य युवती आत्महत्या करने पर लोक एवं माँ आज रही न्याय झीलपाई न्याय मिल से लड़े जार रखी गोटे कथा आम कौन गरीब बोली आमको न्याय मिलनी बड़ कथा हूँ अभियुक्त जी पुलिस ता विरुद्ध में कौन आक्शन नब उल्टा कोहल दफा लगे ये कौन प्रमाण कर यह पूर्वरु अभियुक्त नाँ रे झीटी को असदाचरण करजे जा एफआईआर करोलीस एमती कौ दफा लगे से तीन दिन भितर बेल पाई आसिकी मानसिक निर्यातना देखे से जाकि आत्महत्या करतमान पुलिस गोटे कथा कह गोटे शब्द रे पुलिस बर्तमान प्रशासन हाथ में बंधा पड़ी सरकारी दल पाखे बंधा पड़ी गोटे छोट कथा कह रिसेंटली गोटे तिहिडी रे केस हेइतिला प्रधानमंत्री आवास योजना रे जोटा कि बीजेपी पिला माने करथिले ताको नॉन अवेलेबल अरेस्ट करा गला
ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସେମାନେ ପାପ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ତା ପିଲାମାନେ ମିଶି ଟର୍ଚର କଲା ପରେ, ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଷୀ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମାତ୍ର। ନ୍ୟାୟ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେ ମାନେ ଗରିବ ହଉ କି ଧନୀ ହଉ ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? କାରଣ ଏ ଝିଅଟି ମାନେ ଯୁବତୀ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇଗଲେନି, ଓଲଟା ଏ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ପାଇଁ ସାହସ ବି କଲେ କେମିତି? ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କୋହଳ ଦଫା, କି ପ୍ରକାର ଦଫା ଏମିତି ପୋଲିସ ଲଗେଇଲା ଯେ ସେ ଆରାମସେ ବେଲ୍ ପାଇ ଆସିଲା? ଏବଂ ଯଦି ବି କୌଣସି ଦଫା ଲାଗିଛି, ଏଫଆଇଆର୍ କପି ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଇନି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଧନୀ ଗରିବ ଯିଏ ବସ, କେବଳ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ସରକାରଙ୍କର ତା ଦୋଷ ହିଁ କେବଳ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ। ଯିଏ ସରକାରଙ୍କର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଏଟା କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ଶାସକ ଦଳ ସହିତ? ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ନାରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇକି? ନହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା କହିଲିନି ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲି। ରିସେଣ୍ଟଲି ବିଜେପିର ପିଲାମାନେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇ କଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ ଆରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ମ୍ୟାଡମ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପୋଲିସ ପଛଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଏତେ ଦିନ ଟାଇମ ନଉଛି କାହିଁ? ସେଠି ତ ରାତିରେ ଯାଇକି ଘର ଦ୍ଵାର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ବିଜେପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଆରେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ନଉନାହିଁ, ଏଟା ପୁରା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତେବେ କଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣାକ୍ରମ? ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ, ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏଫଆଇଆର କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର କପି ମିଳିଛି କି? ଏବଂ ଏତେ ଘଟଣା ପରେ ବି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛି, ମାଆ ଲଢ଼ୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି କି? ଆମ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ତ ଆମେ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସମଭାଗୀ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ବି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ପାଇଁ ଗଲେ, ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲା ପୋଲିସ, କ'ଣ ଦଫା ଲଗେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଛି କପି ମିଳିଛି? ହରପ୍ରିୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଏଠି 2-3 କଥା ଉଠେଇଲେ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲା ଏ ଯେଉଁ ମୀନା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍, ଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପିଓ ସ୍ମିତା ରାଣୀଙ୍କ କଥା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକର କଥା, ତାହେଲେ ମୀନା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତ, ଏଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦେବେ ତ ନ୍ୟାୟ, ଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ମୁଁ କାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାବିପାରୁନି, ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମିଳିବାର ଥାନ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୋଲିସ 8 ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଝିଅ, ତା ବାପା ମା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2ଟା, ତାଙ୍କ ଘର ବଡ ଝିଅ, ସିଏ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ସବୁ ପୋଲିସକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆରେଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନି ପୋଲିସ। ଅପରାଧୀ କେବଳ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାର କୌଣସି ଜାତି କି ଧର୍ମ ନଥାଏ, ଏହାକୁ ଅଯଥାଟାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି ଏ ଘଟଣା ଆହୁରି ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହଉ, ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଜେପି ପିଲାଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ଵାର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ କରିଦେଲ, ଠିକ ଅଛି ବିଲକୁଲ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ସେଇ ନେଇ ଆପଣ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଲେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ, ଏଫଆଇଆର କପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି, କ'ଣ ଧାରା ଲାଗିଛି ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ପଇସା ଖାଇ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣ ଝିଅ ମାନେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ଆଠୁ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସମଭାଗୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି? ହଁ, ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କହିନି, କହିଲେ ହଁ ସେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ,
ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କହିଲେ ସେ କିଏ ଆସିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଯେନ୍ତି କଣ ପୋଲିସ ତ ଆସିଥିଲେ କଣ ଏସପି ନା ଡିଏସପି ନା କଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିନି କଣ ପଚାରିଲେ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଣ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତମ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା କୋଉଠିକି କେମିତି କଣ ଘଟଣା ହେଲା ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଥିନି ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ତମ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମଲା ତମେ ଦେଖିଛ କି ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ତ ଯାଇଥିନି କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଆଉ ବାଟରେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଧମକା ଚମକା କଲେ ମୁଁ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଶାଶୁ ପାଖରେ କହିକିରି ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବିଲରୁ ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ତ ଆଉ ନାହିଁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା ହଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯାହା ଦେଖାଯିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଥିଲା କହିଲା ଇଏ କେସ ବାସ କିଏ ସେ ତାକୁ ସଜା ହେଇଯିବ ନା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କହିଲା ହଁ ଯଦି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଆଗରୁ ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା ଅଛି ପୋଲିସ ଉପରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେ ଭରସା ଅଛି ଯେତିକି ଭରସା ବି ନାହିଁ ଯଦି ଭରସା ଥାନ୍ତା ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା ଭରସା ଯଦି ଥାନ୍ତା ଝିଅ ତାହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା ୟୁଜି ସେଇ ମା ଯିଏ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି ଏଇ ଲୁହ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କି କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତା ନିଜ ଝିଅ କରେ ଯଦି ପୋଲିସ ସଠିକ ସମୟରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ କେବେ ବି ତା ଜୀବନ ହାରି ନଥାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା କଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ସଠିକ ଦଫା ଲଗେଇଥାନ୍ତା କୋହଳ ଦଫା ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି ସଜା କାଟିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଦଫା ଲଗେଇଲେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହି ନପାରି ଯୁବ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା କଲା ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆହୁରି ବଡ଼ ଘଟଣା ଆମ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବସେନାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଶାଖାର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ୟୁଜି ସେଇ ମା ଆପଣ ସେ ମାଆର ଲୁହକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତା ନିଜ ଝିଅକୁ ହରେ ଝିଅ ସାଥିରେ ତ ଯାହା ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା ଘଟିଗଲା ତାର ଭର ପାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଗଲା ଏ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ପାରିବେ କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରେଇ ପାରିବ କି ପୋଲିସ ଫେରେଇ ପାରିବ କି କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ କି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବ୍ରଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲି ଆମେ ସେଠିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ପହର ଦିନ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ମାନେ କେତେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଇଭିନ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଝିଅର ମା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରେପ୍ କେସ୍ କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଏ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ 23 ମିନିଟର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର କପିଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଆମେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେ ସେମାନେ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ହାର୍ଡ ଏଫଆଇଆରରେ ହାର୍ଡ ଦଫା ସବୁ ଲଗଉଛ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ତମ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ଯୋଉ ଝିଅଟି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ମୋର କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ପୋଲିସ ହେଇକି ସେଠି ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୀଡିତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ମୋଡକୁ କାହିଁକି ଗଲା ସେଇଟା ହିଁ ତ ହଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ
नाही कॉम्प्रोमाइज गला सेटा तो सेमाने ही कहिबे आमे तापरे जाईथिलु एसपी को पाखकु जाईथिलु से मध्ये हमकु कहिले जे आपण माने तो आसिले पहर दिन हमकु कहिले जे आपण माने तो 11 तारिख रे आसिले किंबा या किंतु या पूर्वरु मध्ये आमे माने एफआर देछु मु कहले आज्ञा एफआर तो ठीक अछि आपण एक्शन नै चंती ताकु से जे बुढा लोकटी जे ताकना शेख मुस्किम ताकु से माने से दिन जेल पठैथिले किंतु 3 दिन परे बेल आसिला परे बारंबार बारंबार तांकर तीन जन पुआ ना मध्य से पीड़िता बापा कही जे से माने बारंबार बारंबार आसिक आमको धमकाउथिले गाड़ी दौथिले पीड़िता एते भयभीत थिला तृष्णा गोटे छोट बयसर झी 20 वर्षर झी से एते भयभीत थिला आज्ञा माने जहा तांको मां से दिन कहिया कथा जहा तांको बापा कहिया कथा जे डरी कि झीटी एक्चुअली सुसाइड कर देला एवं एमाने ताकु सेतिकि इंसिस्ट भी करी छंती मेडिकल ऑफिसर किंबा झीटी मला परे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार जना पड़ो बट मुझी जो इंसिस्ट भी कर से जो एनवायरमेंट क्रिएट कराई केवल से गरीब बोली किंबा से माने असहाय बोली दुर्बल बोली भाभी की जो करी चंदी एटा बिल्कुल करबा उचित नुहे मु बारंबार कहूची जे देवसेना सब बेले तांको सहित अछि आउ गोटे कथा मध्ये मु अर्गस चैनल माध्यम रे जणे को चाहूची जेहेतु से एते गरीब घर झियो ता मां मते से दिन बारंबार कहूतिले जे सीएमओ घर रो पुओ एवं झियो उभर दायित्व नउतला ए पर्यंत सुधा मु गोटे कथा पचारुची जे आज्ञा सेपट को सेठी जे मध्ये गवर्नमेंट रे बसी चंदी से एपर्यंत सेठिकी जाईकी कहिलेनी की जे आमे आपनको से बदल रे किछ आर्थिक संबल सहाय्य करियो बोली एति पई मु काली 3 दिन हेलानी आ गया मु राष्ट्र दल सहित बारंबार बारंबार कथा होची राष्ट्र दल देवसेना सहित दिल्ली बारंबार हरियाणा बारंबार आमे कथा होचू मु बारंबार निजे कथा होची आ गया जे तांको किछ आर्थिक संबल दिया जाउ कारण से गोटे झियो हरेनी कोनसी आर्थिक संबल मु गोटे जो परिवारटी झियो कहरेला कोनसी आर्थिक संबल तर केबे भी भरपाई करि परिबनी कथा उठे छि झियो को आत्महत्या करे पई प्रवर्तैले प्रवर्तै पई साहस कले केमिति एक तो दुष्कर्म पर एक नारकीय कांड जणे अमानुषिक व्यवहार जणे कला ता सहित पुलिस अभियुक्त सुरक्षा रे रहिछि अब बेल आसीबा पर अभियुक्त जोबडी बारे परिस्थिति जेंके आपण कहउछन कि सृष्टि कला युवती जणक बाध्यले आत्महत्या पर एक चरम निष्पत्ति नबा पई ए संपर्क रे हमरा आलोचना जारी रहबो किंतु समय छि एक छोटो ब्रेक रो स्वागत न्याय मिललानी शेषे युवती जनक आत्महत्या करने को बाध्य असदाचड़ मामलें पुलिस लगता कोहल दफा जो वर्तमान भद्रक पुलिस बर्तन आठगड़ा को बर्तमान पर लोके समस्त प्रकार अभियोग कर पुलिस न्याय नदेवर झील बाध्य आत्महत्या कला तेरे कहीं कोहल मनोभाव देखा अभियुक्त प्रति पुलिस कहीं अनुकंपा देखाई भद्रक पुलिस तेल पीड़िता को न्याय केवे मिल कमी मिल न्याय बर्तमान लड़ुची माँ तेज आसन शुणा पीड़िता माए संपर्क में कौन कहते थाना डाकर हेगला मो धन नहीं कि टका नहीं आज मु जियो रे बसिनी मो जियो आज चली गला मु रोबर दिन खीर नहीं आसुथिन जत बेला विदादर आड़ी पाखर से बांको मुड़ बसी थी पाँच छः जन खंड लुक ठिया है दिले बुढ़ा बसी दिला जेटी से लुक जड़े कहला गला आम तो आम बाप को नहीं आसनु कौन कला आम राजू आम कौन कला से बुढ़ा हसी हसी कहला मोर आउ किसी दरकार ना से बुढ़ा को फासी जाऊ मो झीर आत्मा जा शांति पाइब आपण शुणुते पीड़िता माँ हूँ कोहबरा से दुख कि टंका फोपाड़ी दे थाना तांकरा पाखे ना टंका अच्छी ना धन अच्छी झील चलीगला जो पुलिस न्याय देलानी सांघातिक अभोग आनी पीड़िता माँ आम सहित रही हरप्रिया साहू रही मैडम कौन कहे
टंका फोपड़ा गला थाना को जा पीड़िता माँ अभियोग कराना अर्थात कहवाक गले टा ही सबकि कारबार कर सन्देह उपजुच्छ कि पुलिस टंका नहीं केस को चापी देवा केस को डाइवर्ट करने जाणीबुझ कोह दफा लगे कि पुलिस निश्चित भाव टंका नहीं हूँ वोट बैंक कमी जबार भय प्रशासन डर कि तो गोटे अच्छी मैडम जोटा कि आम एबे तो कन्फर्म कर कौन अच्छी आज जे सी जेहेतु गरीब परिवार असहाय परिवार से तो आज ये अवस्था आज जो जे प्रतिभाशाली परिवार रो ए अवस्था ही था आज कौन कौन निया जलू था आज समस्त चुप आज आपण भी कहते तो भद्रक जी विधायक अच्छा थरटे भी सांत्वना देवाई गले घर को कौन सी प्रकार चाप से सृष्टि कर पदे मुह खोलुंट कि केमी पर न्याय मिल टाई हो कि वोट बैंक कमी जी भय जो भी हो आज पुलिस हाथ बंधा जाए पुलिस किसी करी पार नहीं कंप्रोमाइज करिया बाध्य करा जाउ छी तथापि गोटे झियो को रेप अटेम्प्ट करा जाइ छी तथापि कंप्रोमाइज करले पुलिस रा परिवार पुलिस रा काम कोन तले मैडम जोठी अन्याय हेउ छी न्याय पई जी द्वारस्थ हो छी थाना रो तले ताको तो न्याय मिलनी तले पुलिस रा काम कोन एठी डीजीपी कहचंती पीपल फ्रेंडली पुलिस माने लोकों को पई का पुलिस काम करिवो तले एटा कोन हो छी तार उदाहरण माने ज्वलंत उदाहरण की लोकों पई पुलिस केमती काम करची सेईटा कथा रे मैडम पुलिस केवल सरकार कर काम करुची एटा बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस पुलिस को पई से केवल सरकार कर सी गरीब असहाय लोक मान जहाँ कहीं लोक ना मुंड ना जो मान प्रतिभाशा लोक मान हाथ जो पर मुंड केते घटना आप निजे देखु परी बेबिना कुंदुली तिश्री आज पर्यंत यही राज्य सरकार पुलिस क्या आज पर्यंत न्याय दे पार ना कि आम भी आपण मानम रखुचु आज सीए पर एकटिया नुह से जो तृष्णा आज आत्महत्या करी आमे माने सब अच्छु जदि पुलिस जेते शीघ्र पारे जदि अभियुक्त को अरेस्ट न करुचि ताले पुलिस जा चाहूची आमे भी सेया करिकना देखैबो आम साथ रही देवसेना रही ओडिशा महिला शाखार सभानेत्री सुब्रजोत्स्ना महांती मैडम कौन कहे एक तो दुष्कर्म सबुठ बड़ अपराध दुई रे आत्महत्या प्रवर्तवा तीन रे कोहल दफा लगे चारे एफआईआर कॉपी न दबा पांच रे तदंत चली देखा कौन हो मैंने सब पूरा घटना को देखिले जमी लगुच पुलिस आदो ए घटना को सीरीयसली नापी चाहूनी पुलिस जाणीबुझे घटना को चपे देवाई चाहूँगी जो प्रश्न उठू पीड़िता न्याय मिल तो मोर कहवा कथा आज्ञा जो तांको बापा जो जी अक्यूज जहां को ना रे एफआईआर टा दिया है जी तांको ना हो जी शेख मुस्किन शेख समीर शेख राजू शेख तैसिन ए चार जन को कौन पाई शेख मुस्किन को कौन पाई बेल मिलिला आउ एते शीघ्र भी मिलिला आउ जो बाकी तीन जन बाहर बुलु चंदी जो मन को जोगु पीड़िता जी टॉर्चर है कि मेंटली टॉर्चर है कि से सुसाइड करी कला सेमन को कौन पाई आज माने बंदी करा है नि कारागार रे आ कड़ा माने एकदम कड़ा भाव रे तांको कौन पाई सजा दिया होनी कौन पाई एपर्यंत सुधा सेठी समस्त चुप रही चंदी आमे गला बेले मध्य आमको मध्य बहुत थ्रेटनिंग माने मेसेज माने बहुत आसी थिला जे आपण सेठी सेपट को जानतनी मोर कहबा कथा आज्ञा आमर सेठी देवसेना टीम जो मैंने काम करछन्ती से माने बारंबार आज्ञा कहिछन्ती जे मुस्लिम कम्युनिटी रो मध्य किछि लोक माने सेठी संपूर्ण रूपे सपोर्ट करछन्ती जे न्याय दिया जाउ जदी सेठी कोनोसी कम्युनिटी के नेकि आपण मानकर प्रॉब्लम होउछि आ जदी कम्युनिटी तरफ रु हे आपण को सपोर्ट मिलुछि ताले सेठी के चुप बसि आज्ञा एसपी चुप बसछन्ती प्रशासन चुप बसछि थाना वाला चुप जाति धर्म आसीबा कथा ने न्याय न्याय होछि न्याय एवं पीड़ितांको सहित जो भली भाबे असदाचरण करा जाइछि सेति पई तांको न्याय मिलिबार आवश्यकता रहिछि एवं आउ गोटे कथा जदी कहे कि बर्तमान पीड़िता परिवार जो परिस्थिति जाऊँच एवं झील गलापर भी मानते तो शब्द से प्रकाश करें कथा उठे एमती पुलिस कि दफा लगे कारण दुष्कर्म सजा तो निश्चित भाव अधिक रही कि दफा लगे जो तीन दिन भितर बेल मिलगला अर्थात अभियुक्त को बेल मिलला से सब बड़ प्रश्न और से पुलिस बर्तमान सन्देह घर में पीड़िता माँ आम साथ रही मत कौन कहे कारण देखो झील तो गला न्याय मिल कि नहीं आप सन्देह पुलिस तो आसी आपण को बुझेला कितु कथ उठू जहाँ पलैला आपण मानते कहीं भी पूरण करें आप चाहते मत शुणी पार्टी
एबे भी कोन आपन को धमक चमक आसुची आपन को डरौछन थी केस प्रत्यार पई का किछ कहउछन थी कि केस नै जेबा पई कहउछन थी कि अवस्था अच्छा हरप्रिया मैडम अच्छा मैडम शेष प्रतिक्रिया से जानापी चाहिए आपंकर आग को आपड़ इश्यू को केमी गोटे बड़ प्रसंग बड़ मुद्दा करेंगे ताकि जमी पीड़िता को न्याय मिल पीड़िता को तो न्याय दवापी आम आरंभ कर सारी आम आंदोलन द्वितीय कथा जदि पुलिस आम कल भी टाइम देचु कल आम राज्य आसुच्च महिला मोर्चा टीम कल आम से विषय एसपी पाखक जीव प्रेसमेट करूँ तापरे सात सात दिन आमे टाइम देतिलु दुई दिन पळेलानी तापरे पुलिस आपन को कहिल ना पुलिस जोटा चाहूचंती सेइटा ही आमे करिवु न एमिति न्याय तो 100% आमे दिलै कि रहिबु कृष्णा न्याय पई आमो आंदोलन जारी रहिबु आ पुलिस जदि निजे न करथि आमे करिवु अवसर अच्छे सुब्रजोष्णावंती मैडम कौन कहे शेष प्रतिक्रिया हिसाब से आप प्रथम ही घटना सहित अच्छा ग्राउंड को जाती पर लोक सहित कथित लड़ई जारी रखिंट तेल न्याय केमी मिल कौ प्रकार मिल के मिल से नहीं कौन कहे शेष प्रतिक्रिया नाई शेष प्रतिक्रिया तो मुझे देवी जिते पर्यत से पर न्याय न मिली से आज्ञा आम देवसेना टीम पूरा राष्ट्रदोल प्रतिटा डिस्ट्रिक्ट जिते भी देवसेना भाई भी अच्छा समस्त आम एकाठी हो राजस्ता को तो ओल्लबू ही ओल्लबू कि संपूर्ण रूपे न्याय दवा दरकार आद्वारा मोर कहवा कथा आज्ञा जे जो गोटे गोटे भी यही सब आगुरी मध्य बहुत गुडे केस है जो केस द्वारा से न्याय मिलनी मोर कहवा कथा आज्ञा याद्वारा महिला मान असुरक्षित फिल कले महिला कौन से मानने वयस्क स्त्री लोक कौन छोट छोट झी कौन यादारा सेमती आज्ञा बर्तमान स्कूल कलेज जी मत कहतु जदि राज्य महिला असुरक्षित इतिश्री कहतु बेबीना कथा कहतु कि पिहू कथा कि परी कथा कि भद्रक युवती महिला मान सहित जहाँ भी घटना घटुची न्याय जो विलंबित न्याय कौट ना कौटी जो सहित जो लोकलज्जा बाध्य माने जीवन हारुचंती ये प्रश्न उठू तले महिला को सुरक्षा महिला को सम्मान कथा जो सरकार कहते वास्तव में तार कौन उद्देश्य अच्छी वास्तव में सरकार सम्मान देउचंती ना केवल यहाँ केवल भाषण बाजी कथार ही सीमित रोचे तो ये देखार कथा पुलिस ये भद्र किशोर आसी हरणकड़ा को प्रश्न कर पीड़िता पर पुलिस ही वर्तमान पैसा नहीं केस को दबाप चाहिए डाइवर्ट कर पैसा नहीं झील को मिलनी तेणु शेष प्रतिक्रिया हिसाब से पीड़िता माँ को प्रतिक्रिया ने भी कौन कहे आप धमक चमक आसूच कि झील को केमी न्याय मिल के दूर आशावादी अच्छा पुलिस तो मोर जमा भरोसा ना कहीं मो झे जो एफआईआर कपी नहीं प्रथम दिन से मो झी को एकाटिया घर डाक नहीं जे तो बुढ़ाटा को 20 वर्ष जेल हो घर जो मो झी को पचार थी कौन है से सब कथा कही माँ मत सब पचार सारापर कह बुढ़ाटा को छाड़ दिए बुढ़ाटा को 20 वर्ष जेल हो 20 वर्ष जेल हवा बदल तीन दिन कहीं बेल मिलला मुझे यही चाहिए मो झी को न्याय दरकार मो झी नुह से मो पुआ मो सब घर चलाऊला बाप कांद को कांद मिले कम कर मो पु दरकार मो झी चली गला मो पु चली गला मोर न्याय दरकार मो झी को न्याय मिलने तो आत्मा शांति पाइब पुलिस मो पर भरोसा ना ये पुराना बजार पुलिस सब डकात सब टंका लुभी जदि पुलिस जदि जदि एक मार लुह को आज पुलिस अधिकारी देखी पार्टी तक प्रश्नर उत्तर देवार आवश्यकता रही कि युवती को केबे मिलिबो न्याय एवं बड़ कथा हो वृद्ध को 20 वर्ष सजा हो पुलिस मन में ये दरद कहीं कष्ट पुलिस को कि वृद्ध शेख मुस्ताकिन को 20 वर्ष जेल हो जोटी की पीड़िता सहित जो भी भाव में अन्याय कर पीड़िता को न्याय दि जाऊनि ये माँ प्रश्न पचार ये माँ न्याय चाहिए तो देखार कथा भद्रक पुलिस केवे दौर पीड़िता न्याय और पीड़ितार पर न्याय समय प्रश्न कल गेट रखा नमस्कार।